ना क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या आपको एग्जेम्पशंस मिलती हैं डोमेन कंपनी को। जैसे आपको डोमेन कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा, कुछ एग्जेम्पशन कुछ फ़ायदे मिलेंगे आपको। क्या आपको एक साल में दो ही बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी है विद अ गैप ऑफ 90 डेज। आप 90 डेज के गैप के बाद बिटवीन द कंपनी रख सकते हो। सेकेंडली, वैसे पता है एक साल में हर कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, पर डोमेन कंपनी को कितनी करनी है, केवल 2, और गैप 90 डेज का हो सकता है। डोमेन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे हमें पता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह। डोमेन कंपनी को कैश फ्लो नहीं बनाना। नेक्स्ट, एक रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला पॉइंट है, ये आप ऑडिटर चैप्टर में पढ़ोगे, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। डोमेन कंपनी को बड़ी कम कंप्लायंस कॉस्ट वगैरह, जो हर साल कंपनी की फीस वगैरह होती है, बड़ी कम पे करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू एक्टिव कंपनी। नेक्स्ट, ओनर्स को एक एडवांटेज मिलता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह, पेटेंट वगैरह, एसेट वगैरह कंपनी के नाम पे होल्ड कर सकते हैं। 5 साल तक आपको ये स्टेटस दिया जाएगा पक्का। क्या क्या कंप्लायंस करनी पड़ती है, द रजिस्ट्रार मेंटेन द, मतलब रजिस्ट्रार में आपका नाम डोमेन कंपनी में आ रहा होगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, जैसे पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, वन डायरेक्टर 1% कंपनी में, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर आप डोमेन कंपनी का स्टेटस रिटेन करना चाहते हो, अगले साल भी आपका रखना चाहते हो, तो कंपनी को रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी एनुअली, हर साल रिटर्न वगैरह भेजनी पड़ेगी, जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट होगी। इस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन ऑडिट करेगा, CA करेगा। एनुअल फीस वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब अगर आप हर साल डोमेन कंपनी के स्टेटस चाहते हो, तो आपको एक रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा, जिसको CA इन प्रैक्टिस ऑडिट करेगा। और हर साल ये आपको रिटर्न 5 साल तक भरनी पड़ेगी, कब तक, फ्रॉम द 1 साल ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर पढ़ चुके हैं हम। डोमेन कंपनी एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ईच हाफ ईयर, एक हाफ ईयर में वो तो हम पढ़ चुके हैं पूरा पॉइंट। रोटेशन वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता। कंपनी को आप अभी भी अगर कोई अलॉटमेंट शेयर अलॉट करें या कभी डायरेक्टर चेंज हुए हैं, तो हमेशा आपको इन्फॉर्म करना है। वेन एवर द कंपनी अलॉट एनी सिक्योरिटी या डायरेक्टर चेंज करती है, कंपनी को RC को इन्फॉर्म करना होगा पक्का। नेक्स्ट, सेक्शन 455 और रूल 8 में लिखा हुआ है कैसे आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिलेगा फ्रॉम डोमेन कंपनी। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी एक्टिव कंपनी की, कि अब मैं डोमेन से एक्टिव कंपनी, मतलब अगर आप डोमेन से एक्टिव में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और ये एप्लीकेशन बिफोर द एंड ऑफ 5 साल, क्योंकि हमें पता है ना 5 साल तक, 5 साल मैक्सिमम पीरियड होता है, उसके बाद या तो हमें एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा या नाम स्ट्राइक ऑफ, वाइंड अप हो जाएगा हमारा। तो अगर आप एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सेकेंड, इनकेस द एप्लीकेशन, अगर आपने 5 साल तक एप्लीकेशन नहीं दी, नेम ऑफ द कंपनी वुड बी स्ट्रक ऑफ, मतलब जो ROC के पास रजिस्टर वगैरह मेंटेन है डोमेन कंपनी का, आपका नाम स्ट्राइक कर दिया जाएगा, मतलब कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी एक तरीके से आपका वाइंड अप हो जाएगी पक्का। नेक्स्ट,